हर खट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स ग्रेट मॉर्निंग भूपेश आनंद देसाई सो टुडे फ्रेंड्स मैं आज आपके सामने एक छोटा सा वीडियो एक छोटा सा मैसेज एक छोटी सी बात दिल से दिल की बात मन से मन की बात अपनों से अपनी सी बात करने आया हूं और उम्मीद है कि आपको ये मेरा एक छोटा सा मैसेज अच्छा लगेगा और आप इस मैसेज से आने वाले दिनों में बेनिफिट ले पाएंगे। मैं दोस्तों सीए मैं आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और जब मैं सीए कर रहा था तो विनोद तनेजा जी जो इसी कंपनी में मेरे दोस्त थे अभी भी हैं उन्होंने उनके साथ मैंने अपनी तैयारी की प्रिपरेशन की और उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की एजुकेशन में सीए बनने में। उन्होंने भी दोनों ग्रुप्स दिए मैंने भी दोनों ग्रुप्स दिए लेकिन ना जाने मेरे मन में एक ऐसी बात थी कि मेरे दोनों ग्रुप्स क्लियर नहीं होंगे जबकि पेपर बहुत अच्छा हुआ था। और दोस्तों यकीन मानिए कि दोनों ग्रुप्स नहीं हुए एक ही ग्रुप हुआ विनोद जी के दोनों ग्रुप्स क्लियर हो गए। समय निकलने लगा मैं मेहनत बहुत कर रहा था विनोद जी भी कर रहे थे हम पढ़ भी रहे थे लेकिन कुछ ऐसी बातें मेरे मन में अपने आप आ जाती थी जिस जो मुझे लगता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अब दोस्तों फाइनल आ गया सीए फाइनल में भी ऐसा ही हुआ मैंने दोनों ग्रुप्स दिए और मुझे मन में पता नहीं क्यों ऐसा था कि मेरे दोनों ग्रुप्स नहीं होंगे जबकि पेपर मेरे अच्छे हुए थे। तो दोस्तों हुआ भी यही मेरा एक ही ग्रुप क्लियर हुआ फिर मैंने सेकेंड ग्रुप अलग से दिया। इसके बाद मैंने सीएस ज्वाइन किया फिर सीएमए ज्वाइन किया और बड़े सारे कोर्सेस एसीसीए लंदन अमेरिकन यूरोपियन सब करने लगा। लेकिन जब मैं सीए कर रहा था और विजार्विस बाकी सब कोर्सेस के कंपैरेटिवली मैंने देखा कि मुझे मेहनत कम करनी पड़ी और मैंने टेक्निक्स कुछ माइंड की टेक्निक्स यूज करना शुरू कर दी। इसके बीच में मैंने एक माइंड सेमिनार किया और दोस्तों मैं आपको बताऊं आज जो भी कुछ मुझे जिस भी लेवल पर मैं हूं आज इस माइंड की वजह से जो मैंने टेक्निक्स यूज की उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। आपने मूवी भी देखी होगी आप बड़ी सारी मूवीज देखते रहते होंगे एक मूवी आई थी ओम शांति ओम और उसमें शाहरुख खान ने कहा था कि अगर आप कोई भी चीज मन से चाहो तो पूरी कायनात आपको देने में तैयार मदद करती है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाला हूं कि इस दुनिया में कितने लाखों करोड़ों लोग हैं और सभी के सभी सक्सेसफुल बनना चाहते हैं लेकिन सभी नहीं बनते। इवन हमारी फील्ड में अगर आप देखें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीए की फील्ड में भी सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं आप सब हम सब चार्टर्ड सीए हैं लेकिन कुछ चुनिंदा ही लाइफ में सक्सेसफुल बन पाते हैं। इट मींस नेम फेम सब कुछ मिलना एक सक्सेसफुल सीए के लिए यू नो सभी नहीं कर पाते या शायद आप बात समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा क्या है कि कुछ कर पाते हैं कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर्स हम सभी हैं तो वो 3-4% ऐसे ही मेंबर्स क्या होते हैं क्यों होते हैं और उनके अंदर क्या एक स्पेशल पॉइंट है एक क्या स्पेशल क्वालिटी है जिससे कि वो लाइफ में आगे ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। तो दोस्तों आज मैंने उसी बात को आपको शेयर करना है। हम सब इस दुनिया में जब आते हैं दोस्तों और जब इस दुनिया से जाते हैं तो दो चीजें भगवान ने अपने पास रखी है इस दुनिया में आना और इस दुनिया से चले जाना। लेकिन दुनिया में आने के बाद और दुनिया में जाने से पहले ये जो बीच का समय होता है दोस्तों इसमें हम लाइफ को कैसे हम जिए हाउ टू लिव लाइफ वो हम सबके हाथों में है और उस बीच के इंटरवल में मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम सब हार्ड वर्क में बहुत बिलीव करते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें सबने या हमने देखा भी ऐसा ही है कि मेहनत करना बहुत अच्छी बात है और मैं अभी भी कहता हूं मेहनत करना इंपॉर्टेंट है लेकिन हम सारा ध्यान मेहनत में ही लगा देते हैं। मेहनत की का फल हमेशा मिलेगा सब्र का फल अच्छा होता है ये बातें हमने सुनी हुई है और हम इस बात में विश्वास भी करते हैं और सीए करते समय आई थिंक हम सबने बड़ी मेहनत की भी। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मेहनत कुछ कम भी करते और थोड़ी सी टेक्निक्स ऑफ माइंड को यूज कर लेते तो शायद हम सब
हम सब जल्दी से एक दो अटेम्प्ट जल्दी बन जाते हो, लाइफ में और सक्सेसफुल बन जाते हो, कोई बात नहीं दोस्तों, अभी हम आने वाले समय को प्रॉपरली यूज करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सबका माइंड जो है ना दोस्तों, जो भगवान ने हमें माइंड दिया है, मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि आप मुझे बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन। देखिए ब्रेन एक अलग चीज है और माइंड एक अलग चीज है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन एक हार्डवेयर है दोस्तों, ऐसा समझ लीजिए कंप्यूटर की भाषा में, और माइंड एक सॉफ्टवेयर है, माइंड उसको चलाता है, माइंड सॉफ्टवेयर है। इट मींस आप आईपैड ले लीजिए, आप एप्पल कंप्यूटर्स का लैपटॉप ले लीजिए, बड़े से बड़ा कंप्यूटर ले लीजिए, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर विंडोज या जो भी सॉफ्टवेयर आपने पायरेटेड लिया है तो उसमें वायरस है, तो ऑटोमेटिकली चाहे वो एप्पल कंप्यूटर का क्यों ना हो वो नहीं चलेगा। इट मींस देयर आर टू थिंग्स, भगवान ने हम सबको दो बातें दी हैं, एक ब्रेन और एक माइंड। माइंड एक सॉफ्टवेयर का काम करता है, अब सॉफ्टवेयर कैसा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये सॉफ्टवेयर दोस्तों, ये जो माइंड है, मैं ये कहूंगा इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है हम सबके सॉफ्टवेयर दोस्तों। एक सॉफ्टवेयर में ये कहूंगा, एक सॉफ्टवेयर है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम कई बार बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंड, वन इज कॉन्शियस एंड सेकंड इज अनकॉन्शियस। और दोस्तों हम अपनी लाइफ में मैक्सिमम यूज कॉन्शियस माइंड का करते हैं, हमें पता ही होता है कि एक ही माइंड है, एक्चुअली में सब ये जो कॉन्शियस माइंड है इसके पास जो पावर्स हैं 10% पावर्स हैं दोस्तों, और मैक्सिमम पावर्स 90% पावर्स दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड के पास है। ये मेरे को सीए करते करते, जब मैंने सीए कंप्लीट हो रहा था और उसके बाद सीएस ज्वाइन किया, फिर आईसीडब्ल्यू ज्वाइन किया, फिर आईएफआरएस लंदन ज्वाइन किया, फिर सीपी यूएसए ज्वाइन किया, फिर सीएफए यूएसए ज्वाइन किया, तो मुझे ये बातों का समझ आना शुरू हुआ कि लाइफ में अगर हम थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा माइंड की टेक्निक्स को यूज कर दें तो हम कहां से कहां तक पहुंच जाते हैं। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स, मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अगर इतिहास को खोल कर देखें तो एजुकेशन एक बेंचमार्क नहीं है कि एजुकेशन होगी आप सीए होंगे तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आप एग्जांपल्स देखें तो मैक्सिमम लोग एजुकेटेड ही नहीं है जो इस समय इतने सक्सेसफुल बन चुके हैं। धीरू भाई अंबानी कहाँ पढ़े लिखे हैं अपने, कहाँ थे अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बिल गेट्स। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन हमें, एजुकेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हम सबके पास एजुकेशन, हम सबके पास नॉलेज है, अगर हम उस नॉलेज के साथ साथ इस टेक्निक को यूज कर दें जो मैं आप बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको अब ये बताना है व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सवाल ये आता है कि हम इस टेक्निक, इस सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको एक बात ये बताई, मैंने ये बताया कि सक्सेसफुल रहने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, या जो भी आपको चाहिए लाइफ में, आपको जो भी चाहिए, मैं नहीं मानता कि सक्सेसफुल है आपको डेफिनेशन, कुछ भी, जो भी ड्रीम है आपका, धीरू भाई अंबानी ने कहा कि हम सबका ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए, जो भी ड्रीम है, ड्रीम को पाने के लिए हम माइंड को यूज करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं और स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क जनरली हम करते हैं कॉन्शियस माइंड से और स्मार्ट वर्क करते हैं दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड से। एक ऐसा माइंड, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, जब हम इस धरती में आते हैं तो ये ऑन हो जाता है और जब इस धरती से जाते हैं तभी बंद होता है। इसका मतलब ये माइंड कभी सोता नहीं है। इट मींस जो आप देखते हैं पूरा दिन, जो आप व्हाट्सएप में मैसेजेस देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो मूवीज देखते हैं, जो आप सोचते हैं, जो भी कुछ पूरा दिन लाइफ में फ्रॉम बर्थ टू डेथ जो भी कुछ करते हैं, ये एक्चुअली में मेमोरी में स्टोर हो रहा है, और उस मेमोरी का नाम है सबकॉन्शियस माइंड की चिप। दोस्तों हमें लगता है कि थोड़ी सी बात से कुछ नहीं होगा, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में ये सब स्टोर हो रहा है। और दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड 90% की पावर रखता है और कॉन्शियस माइंड 10% की पावर रखता है। इसका मतलब ये कंट्रोल करता है, सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है कॉन्शियस माइंड को। इसका मतलब जब आप रात को सो जाते हैं तब भी यह माइंड नहीं सोता, उसका नाम है अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, और जो सो जाता है उसका नाम है कॉन्शियस माइंड। इट मींस अगर मैं टेक्निक्स यूज करना सीख लूं कि सबकॉन्शियस माइंड से मैं बात कैसे करता हूं, अल्फा स्टेट क्या होती है, बीटा स्टेट क्या होती है, एंड हाउ आई कैन कम्युनिकेट विद द सबकॉन्शियस माइंड, मैं अपने ड्रीम्स, अपनी बातें कैसे कह सकता हूं,
तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि लाइफ में आपको सब कुछ धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने एक मूवी देखी थी द सीक्रेट, और मैं आप सबको आज इस प्लेटफॉर्म में आज जरूर कहना चाहूंगा कि आप सभी एक मूवी को जरूर देखें। और दोस्तों उस मूवी का नाम है द सीक्रेट, पता नहीं कितनी बार देख ली मैंने, और द सीक्रेट भी इसी टेक्निक के ऊपर बनी हुई है कि हाउ टू विजुलाइज, आप अपने ड्रीम्स को कैसे बनाएं, ड्रीम बुक कैसे बनाएं, अपने ड्रीम्स कैसे चूज करें, आप क्या सोचें, आप कैसे विजुलाइज करें, आप कैसे पिक्चर्स बनाएं, आप कैसे मॉडल्स बनाएं, और उसको किस तरह से एहसास करें कि आपको सब कुछ मिल गया है। तो सवाल ये आता है कि मैं कहना चाह क्या रहा हूं, तो उसके लिए मैं एक मिनट आपको लूंगा, और मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि मैंने आपके सामने एक दो चीजें प्रिपेयर की हैं। जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस दुनिया में आना और इस दुनिया से चले जाना ये हमारे बस की बात नहीं है, ये भगवान ने कंट्रोल किया है, लेकिन इसके बीच में हम कैसे रहते हैं, दिस इज ऑन अस, हम कैसे रहेंगे, कैसे लाइफ को अचीव करेंगे। हम पूरी लाइफ दोस्तों हार्डवर्क करते हैं, क्या भगवान ने कहा है तुम हमेशा मेहनत करते रहो? दोस्तों एक्चुअली हमें अपनी टेक्निक्स माइंड की पता ही नहीं है, इसलिए हम हार्डवर्क ही करते रहते हैं। मैं आज आपको इस प्रेजेंटेशन से ये बताना चाहता हूँ कि हार्डवर्क करना जरूरी है, लेकिन हम जितना करते हैं उतना जरूरी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लें तो आप ये समझ लीजिए कि हम सब खुश रह सकते हैं, देखिए 96% कितने लोग हैं, 6 बिलियन से 7 बिलियन पॉपुलेशन है इस पूरी दुनिया की, लेकिन सभी सक्सेसफुल नहीं बनते, कुछ चुनिंदा। तो ऐसे कौन से हैं जो बन जाते हैं, अमिताभ बच्चन, धीरूभाई अंबानी वगैरह वगैरह वगैरह, ये आप सबको मालूम है। तो हमें करना क्या है, सीधी सी बात, एक बच्चा कहता है, एक स्टूडेंट कहता है, एक मेरा दोस्त कहता है कि हाउ भूपेश आनंद साहब आप ये बताइए क्या करना है, बस ये बताइए हमें जल्दी से सक्सेसफुल बनना है। बिल्कुल बता रहा हूँ दोस्त, तो आज का इस सेमिनार मैंने जो मुझे बेनिफिट मिला, मेरा ऑफिस ईस्ट पटेल नगर में है, हमने एक ऑफिस परचेज कर लिया था, परचेज करने के बाद हमें पता चला कि हमारे साथ वाला ऑफिस भी सेल आउट होने वाला है, तो मैंने उस ओनर को भी कॉन्टेक्ट किया, और वो ओनर को पहले से ही पता था कि मैंने ये वाला ऑफिस साथ वाली एडजॉइनिंग बिल्डिंग परचेज की हुई है, तो वो नानुकुर करने लगा, नखरे करने लगा, रेट बढ़ा दिए, बेचने को मना कर दिया। तो दोस्तों मैंने इस सब कॉन्शियस माइंड टेक्निक का यूज किया, मैंने सीएस सीएमएस आईएफआरएस जो भी कुछ किया दोस्तों मैंने इस टेक्निक का यूज किया, और आज सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ मिलना शुरू हो गया। तो मैं आप सभी को सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा कि आप सबको क्या चाहिए, पहली बात तो ड्रीम बुक में आपको ड्रीम में लिखना है, अपनी बुक बनाने की चाहिए क्या, तेरी ख्वाहिश क्या है, खुद ही को इतना बुलंद कर कि खुदा पूछे तेरी रजा, तो पहले अपनी रजा तो लिखिए। एक्चुअली मैं खुद ही कंफ्यूज है, हमें चाहिए क्या, कितने करोड़, कितने बिल्डिंग्स, कितना घर, क्या नेम, क्या फेम, आपको वो सब लिखना है। तो सबसे पहली बात वो गोल आपको लिखना है, और उस गोल लिखने के बाद काम कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको अपनी माइंड की पावर्स को यूज करना है, और उसके लिए एक राइट मेथड है, मसल पावर हम सब आज तक यूज करते आए दोस्तों। आप जो चाहेंगे वो क्वेश्चन आएगा पेपर में, मैं आपको इतना बता दूं मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आपको पहली बात इस पूरी प्रेजेंटेशन में डाउट नहीं करना कि ये क्या सच में होता है या नहीं। मैं आपके सामने जीता जागता एग्जांपल हूं, मैं एक नॉर्मल, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, वो स्टूडेंट था, और मैं आज भी, मेरी इंटेलिजेंस एवरेज ही है, मैं कुछ हाई फाई इंटेलिजेंट नहीं हूं, लेकिन जैसे मुझे इस टेक्निक के बारे में पता चला तो दोस्तों सब कुछ मिलना शुरू हो गया। आइए आइए देखें, आइए आइए मेरे दोस्त, आइए देखें कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या, इसके साथ बातें कैसे की जाती हैं, कब कर सकते हैं, और इसको कैसे, इसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। तो मैं भूपेश आनंद एक बात ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि इससे पहले कि मैं आपको कुछ दिखाऊं, पहले तो बताऊं, एक मिनट के लिए सुनिए। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। शाहरुख खान की आवाज, ओम शांति ओम मूवी। इतनी शिद्दत से, अब वो शिद्दत है हार्ड वर्क और माइंड वर्क दोनों, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की कोशिश की है। सुनिए ध्यान से सुनिए। ये मैं उम्मीद कुछ समझ में नहीं आया। ओहो अच्छा 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 सिंपल, ध्यान से सुनना।
Take two. यहीं से स्टार्ट होगा. लेडीज सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक्स. जेंटलमैन लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया. थैंक्स थैंक्स वेरी मच. आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड. फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड. आपको मन में एहसास लाना है कि आपको वो चीज मिल गई है. इस मूवी में शाहरुख खान का एक सपना था कि उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिले और दोस्तों उसने शाहरुख खान ने उसको एहसास किया और कुछ दिनों के बाद आप देखिए इस मूवी द विनर इज द वन एंड द विनर इज ओम कपूर. वो जीत गया. दिनों से बात है बस एक सेकंड ध्यान से सुनना आपने. मुझे मालूम है आपने मूवी देखी है फिर भी सुनो. माइंड में क्या पिक्चर्स लेकर आ रहे हैं. बार बार वो सोच रहा है कि मैंने पहले ये किया था फिर ये किया था. देखो कैसे रिलेट करते हैं. सुनिए. आई जस्ट वांट टू से पाने की कोशिश की है. इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. आज आप सब ने मुझे मेरी चाहत से मिलाया. थैंक यू वेरी मच. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे ख्वाबों को यकीन में बदल दिया. इतना ख्वाबों को यकीन में बदल दिया. दोस्तों आप ध्यान से सुनना कि दो बातें मैं कहने जा रहा हूं. इतनी शिद्दत से. शिद्दत का मतलब है इतने मन से मैंने किसी चीज को पाने की कोशिश की. उसके लिए हम दो बातें करते हैं. एक हार्ड वर्क करते हैं. एक माइंड एक मसल पावर यूज करते हैं और एक माइंड यूज करते हैं. और माइंड दो तरह के होते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड. मैं आज इस माइंड की बात कर रहा हूं. मैं दोस्तों इस माइंड की बात कर रहा हूं कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको लिख लिया. उसके बाद आपने ये नहीं सोचना कि वो कैसे होंगे. आपने ये अज्यूम करना है. आपने उसके बाद क्या करना है एक एक एल्बम बनानी है और उसमें सारी वो फोटोज जो आपके ड्रीम्स हैं उन उस एल्बम में लगाने हैं एज इफ कि आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया है. मैं तो कहता हूं अपने मोबाइल में स्क्रीन सेवर्स भी आप उन सभी चीजों को लगाओ जो आप चाहते हो. आप चाहते हो कि आपका फैमिली मेंबर्स ऐसे हो. आप चाहते हो कि ये हो. आप चाहते हो कि ऐसा करूं. आप चाहते हो कि मैं इस कंपनी में जॉब करूं. आप चाहते हो कि मुझे सीएजी का ऑडिट मिले. आप चाहते हो कि बैंक ऑडिट मिले. दोस्तों जो चाहते हो लिखो. कितने चाहिए कितने करोड़ चाहिए सब लिखो. और दूसरी बात थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि आप उसके लिए उसकी 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 फोटो एल्बम आजकल सब कुछ बन जाता है उसकी एक एल्बम बनाओ. स्क्रीन सेवर्स में आपने उसको विजुलाइज करना है. और विजुलाइज भी कब करना है दोस्तों जब हम सबका माइंड अल्फा स्टेट में होता है. अल्फा स्टेट कब होता है जैसे जब आप सुबह सुबह उठते हैं ना पूरे सोए होते हैं और ना पूरे जागे होते हैं. उस समय आपके माइंड की जो वेव्स हैं उस समय आपके थॉट्स कम हो रहे होते हैं. कब होते हैं तो आपको उस अल्फा स्टेट में या जब आप रात को सोना शुरू करते हैं. अभी आप पूरे सोए भी नहीं और पूरे जागे भी नहीं हुए. कुछ पता चल रहा है कोई आ रहा है कोई जा रहा है लेकिन पूरे आप कॉन्शियस में नहीं है. उस स्टेट ऑफ माइंड को अल्फा स्टेट बोलते हैं. दोस्तों मैंने ये काम करके इतना कुछ लाइफ में मेरे को मिला और धीरे धीरे और भी मिल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं. तो तीन बातें बताई मैंने. पहली बात आपको ड्रीम बनाने उसको ड्रीम बुक में लिखना है. दूसरी बात उनकी सभी की आपको एक फोटो एल्बम बनानी है स्क्रीन सेवर्स में रखना है. और तीसरी बात आपने ये विजुलाइज करना है आईज क्लोज करके अल्फा स्टेट में या तो सुबह सुबह या रात को कि एफर्मेशंस देनी है कि ये हो गया
ये प्रेजेंट टेंस में घट चुका है और आपको कैसा फील आ रहा है, आपने उसको चेहरे में लेकर आ रहा है कि ये सब कुछ हो गया। आप लंदन में, आप स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, सपोज इंडिया, अगर आपका ऐसा ड्रीम है तो आप जब प्लेन में बैठे हैं तो आपके चेहरे में क्या एहसास है, वो एहसास आपको अपने फेस में लेकर आना है। दोस्तों यकीन मानिए, ये सब कुछ अपने आप, मैं ये कह रहा हूं ऐसा करने से सब कुछ अपने आप नहीं होगा, अपॉर्चुनिटीज ऐसी क्रिएट हो जाएंगी, एनवायरमेंट ऐसा बन जाएगा, आपको मौके मिलेंगे। और दोस्तों फिर हार्डवर्क तो फिर भी करना ही है, लेकिन सवाल है कि आप अभी तक हार्डवर्क करते हैं और माइंड को यूज नहीं किया। बट अगर आप माइंड को यूज करें और उसके साथ हार्डवर्क करें तो दोस्तों ये सभी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। और संदेह नहीं करना, डाउट नहीं करना दोस्तों, क्योंकि मेरे को टाइमिंग कम बताया गया कि इसी में करना है। मैंने इसके ऊपर बड़ा कुछ ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है, तो मैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसको आगे भी आने वाले इसमें एनलार्ज वर्जन क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने अभी आज अपना एक ड्रीम रखा है कि जितने भी स्कूल्स हैं मैं उन सभी स्कूल्स में जा रहा हूं, और आजकल टीचर्स को, प्रिंसिपल को ये कह रहा हूं कि आप मॉर्निंग में प्रेयर मत कराएं, आप बच्चों को रूम्स में बिठाकर विजुलाइज कराएं, ये माइंड की टेक्निक्स यूज करें, क्योंकि इसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हम सीए में जाते हैं, हम सीएस करते हैं, बस मेहनत मेहनत, स्टडी के क्वेश्चंस कर लो, सजेस्टेड कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट ये स्मार्ट वर्क है, ये पावर्स ऑफ माइंड है जो पूरी दुनिया में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए नहीं जाते, और इन्हीं से सब काम चल रहा है। तो मैं आज के इस दिन में आप सभी को अपने मन से शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आपने अपनी लाइफ का 5-10-15 मिनट निकाले और मेरी बातों को सुना। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।